డీటెయల్ చూస్తే 2023 లో తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చేది బీజేపీ నేనని మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ అన్నారు. వికారాబాద్ లో జరుగుతున్న బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో ఫడ్నవిస్ పాల్గొన్నారు. కేసీఆర్ పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలు సంతోషంగా లేరని, బీజేపీ పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందంటున్న ఫడ్నవిస్ తో మా తెలంగాణ బ్యూరో చీఫ్ నేతాజీ ఫేస్ టు ఫేస్. ప్రస్తుతం బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర 8వ రోజు కొనసాగుతుంది. महाराष्ट्र माजी सीएम देवेंद्र फडणवीस पादयात्र में पागो आड़ी पादयात्र संबंध मरी विवरा कम सर नमस्कार. इस पादयात्रा से तेलंगाना लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, तेलंगाना जब एक राज बना था तो बहुत वादे किए गए थे. एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, लेकिन ये सारे वादे एक परिवार तक सीमित रह गए और केवल भ्रष्टाचार और झूठे वादे यहाँ तक तेलंगाना सीमित रहा. भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के लोगों को ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ये विकल्प है, ये अल्टरनेट है. 2024 में हम लोग तेलंगाना में भी अपना परचम लहराएंगे और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार इस तेलंगाना को हम देंगे. और जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष बंडी संजय जी के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं. और ये इस पदयात्रा से क्या हासिल करना चाहते हो? देखिए, लोगों तक पहुंचकर लोगों का जो असंतोष है उसको हम संगठित करना चाहते हैं. रिस्पांस कैसा है जी? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. आपने देखा होगा जिस दिन यात्रा निकली उस दिन से लेकर तो आज तक जनता का हुजूम है. जनता बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हो रही है, आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है. तेलंगाना लोग को आपका अपील क्या है? मेरा अपील इतना ही है कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, अलग अलग राज्य आगे बढ़ रहे हैं, तेलंगाना भी मोदी जी के पीछे खड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आए और जो आज लोगों को झूठे वादे किए गए, सच्चे वादे, पक्के इरादे और काम करके हम दिखाएंगे. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. इधर मतलब देवेंद्र फडणवीस गारे केसीआर की संबंधी हामील अभी नेरवे वेदे बीजेपी प्रभुत्वे बंट संजय की संबंधी पादयात्र अंत दिग्विजय को आये चुप्त पैस्थित उदी इकड पैस्थिंद. कैमरा यशवंत नेताजी को प्राइम 9 न्यूज़ వికారాబాద్ లో బండి సంజయ్ పాదయాత్ర నుంచి.